Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing a life process and this is the lecture number 5. I hope you have already watched part 1 to part 4 before watching this part 5. In this lecture, we will discuss about the respiration. So, what is respiration and why it is important for living organisms? Respirations, as you know, for survival of living organisms, food is required for maintenance and repairing of cells. And energy which is required for day-to-day functioning and metabolic process. So, respiration is such a process in which energy is released from the food by taking oxygen during this process oxygen helps to break down glucose into different pathways and they provide energy which is required for day-to-day function and for development of organisms and maintenance and all working functions. So the different metabolic process required, and for all those process there is a need of energy. So respiration is what? Respiration क्या करता है और कैसे करता है? इसकी हम सबसे पहले समझते हैं. थोड़ा सा बेसिक लिखते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे. तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना, इनहेल्स और ब्रीदिंग यू कैन से. सो हम ऑक्सीजन लेते हैं यूजुअली, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं. इनमें से प्योर ऑक्सीजन तो लेते नहीं है हम, कुछ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं. ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, बिकॉज वी आर ब्रीदिंग फ्रॉम एटमोसफेयर. सो हम बाहर से एयर लेते हैं और उस एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है. तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में. लेकिन इससे होता क्या है, इससे क्या होता है कि इसमें जो फूड हम लेते हैं और फूड जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है बाय डिफरेंट एंजाइम्स एंड ऑल, जो कि न्यूट्रिशन में हमने पढ़ चुके हैं, तो उसको ये ब्रेक करता है ग्लूकोज को, और ब्रेक करके और जो 6 कार्बन होता है ग्लूकोज में उसको 3 कार्बन में ब्रेक करता है और पाइरुवेट बनाता है. और पाइरुवेट बनाने से क्या होता है कि ये फर्दर फिर ब्रेक होता है आगे और तब जाकर के एनर्जी प्रोवाइड होता है. तो जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस दो तरीके से होता है. पहला प्रोसेस जो होता है ब्रीदिंग करने से जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके और उसको ब्रेक करता है और ब्रेक करके और पाइरुवेट बनाता है. ये प्रोसेस पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में होती है. और उसके बाद क्या होता है कि पाइरुवेट जो है वो 2-3 तरीके से फिर ब्रेक डाउन होता है. एक विद ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी 2 तरीके से होता है. एक जिसमें इथेनॉल बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है, दूसरा जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में, और ये भी बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनता है, और दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से जो रिएक्शन होता है उसमें जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है. तो ये प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उस एक अलग तरह का रिएक्शन है, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको एक अलग तरह का रिएक्शन कहेंगे. तो उनके अलग अलग नाम है. आइए अब हम इसको बारी बारी से सीखते हैं और समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है और इस क्या इसमें हमें सीखना है. ओके, सो रेस्पिरेशन आज का टॉपिक है हमारा, रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस. सो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस, इज ए प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, फूड इज ऑक्सीडाइज्ड
to provide energy. Simple process, simple definition is like this. Food is oxidized, it involves a process, it involves breathing in which oxygen is taken, oxygen is taken from atmosphere, from outside environment, from atmosphere sphere, and carbon dioxide oxide is released as output. Inhale and exhale, this is the two things the process can be considered and described. कि जो हम air लेते हैं, inhale करते हैं, उसको inhaling सांस लेना और सांस छोड़ना ऐसा कहते हैं. तो इस process में क्या होता है कि हम oxygen लेते हैं और carbon dioxide release करते हैं. So in this process, organisms exchange gases from body to environment. Right. So this is all about the respiration. In other words, being more sophisticated and technical, we can say the respiration is biochemical oxidation of nutrients in presence of specific enzymes at optimum temperature in cell to provide energy for various metabolic process, right? So this is another definition. You can learn any one of them. This is big one, but simplest form, that one also good. जो एकदम आसान सा प्रोसेस में है, आसान सा लैंग्वेज में है कि रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है. यहाँ भी वही बात लिखी है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ऑफ न्यूट्रंस इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स. देयर आर सो मेनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग द फूड आइटम्स इनटू ग्लूकोज, यू नो, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस. तो ये सारी बातें है, वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस जो चलता रहता है उसके लिए एनर्जी की जो जरूरत होती है उससे रेस्पिरेशन से मिलता है, और रेस्पिरेशन की ऐसी डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है ना. तो ये एक डेफिनेशन रेस्पिरेशन का, ये भी है जो थोड़ा ज्यादा सिस्टमेटिक है, बाकी जो पहले लिखा है वो भी सही है.
तो अब इसमें क्या क्या होता है, द डिफरेंट पाथवेज। इसमें हमने एक चीज सीखा कि इसमें ब्रीदिंग होती है, हम एक एयर लेते हैं और बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन ये होता कैसे है, ये सारी चीज समझने के लिए हम इसके डिफरेंट पाथवेज पे बात करते हैं और कैसे ये पर पूरा परफॉर्म होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में पहली चीज क्या होती है, पहला चीज ये होता है कि रेस्पिरेशन में जो ऐसे इधर से लिखता हूँ, रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म में जा करके सबसे पहला जो होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस वो होता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होता है साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन C6H12O6 ये जो है ये ब्रेक हो जाता है, और ये ब्रेक होकर के ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इसमें क्या है, इसमें सिक्स कार्बन है, इससे ये पाइरूवेट में चेंज हो जाता है, पाइरूवेट में चेंज हो जाता है, रूवेट प्लस एनर्जी में चेंज हो जाता है, पाइरूवेट प्लस एनर्जी मिलता है। और ये पाइरूवेट का फॉर्मूला आप चाहें तो ये सिक्स कार्बन चेन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे है सिक्स कार्बन से ये 3 कार्बन में चेंज हो जाता है, ये होता है C3H4O3, O3 पाइरूविक एसिड भी कहा जाता है इसको, तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, तो ये 6 कार्बन से 3 कार्बन में चेंज हो जाता है। अब ये 6 कार्बन से ब्रेक होकर के 3 कार्बन में चेंज हो गया। अब ये पाइरूवेट जो है उससे क्या होता है, फिर से पाइरूवेट जो होता है, पाइरूवेट वेट जो है इसके 3 तरीके से फिर से होता है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और दूसरा ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो एक का ऐसा होता है कि रिएक्शन, तो एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दो तरह के रिएक्शन होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या रिएक्शन होगा, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फिर दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक में बनता है इथेनॉल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है, और दूसरे में मिलता है लैक्टिक एसिड, मेन चीज यही है, प्लस एनर्जी मिलती है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिलता है, प्लस CO2 प्लस एनर्जी इसमें मिलता है। और जैसा कि मैंने कहा इसमें लैक्टिक एसिड मिलता है, जैसे C3H6O3 ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है, आप इसे वैसे तो जरूरत नहीं है याद रखने की लेकिन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता होगा तब भी चलेगा। जो ये जो होता है लैक्टिक एसिड वाला जो रिएक्शन होती है ये होता है मसल्स में, कहाँ होता है ये होता है मसल में होता है। और ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रिएक्शन होती है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इससे क्या बनता है, ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें जो होता है इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तो इस तरीके से एनर्जी दोनों ही जो यहाँ पे ऑक्सीजन
ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी जो रिलीज होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रिएक्शन होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होता है ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो इस तरीके से इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है और इसमें जो है एनर्जी कम रिलीज होती है। जब ये मसल्स में आपको ऑक्सीजन की कमी होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये रिएक्शन से लैक्टिक एसिड बनता है जिससे मसल्स क्रैम्प वगैरह होते हैं, और आप देख पाएंगे कि किसी किसी को हो जाता है अचानक से मसल में क्रैम्प हो जाती है तो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, और वो एनर्जी जो रिलीज होती है वहां पे उस एनर्जी की वजह से पेन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड भी कहते हैं इसको, पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड, ठीक है ना, इसको पूरा नाम ऐसे भी है, पाइरूवेट कहते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, आपको पता चल गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि रिएक्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम रेस्पिरेशन के दो टाइप्स कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, और कौन कौन से टाइप होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है एरोबिक। एरोबिक का मतलब क्या हुआ कि जो एयर के प्रेजेंस में हो, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। आप चाहे तो इसको कैपिटल ए लिख सकते हैं, लिख देता हूं, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज एरोबिक एयर, ठीक है ना। द रिएक्शन, द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एरोबिक रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, रिलीज्ड। फॉर एग्जाम्पल आई हैड टेकन हियर ग्लूकोज, अभी हमने किया था, ग्लूकोज से बनता है क्या, पायरूविट, पायरूविट, पायरूविक एसिड, और सिक्स चेन से थ्री चेन, और उसके बाद इससे बनता है क्या, तो CO2 प्लस वाटर प्लस 38 ATP ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की यूनिट है। तो 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के ब्रेक होने से, पायरूविक एसिड बनता है और फिर पायरूविक एसिड बनता है तब भी एनर्जी थोड़ी रिलीज होती है, और उसके बाद जब पायरूविक एसिड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है तो जाकर के 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सारी बातें आप समझ पाएंगे। सो सेकेंड इज एन एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रोवाइड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी एनर्जी एंड इट टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस टू ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन द फूड आइटम्स, आइटम्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सो ग्लूकोज एयर, ग्लूकोज एंड देन इट इज गोइंग टू बी पाइरूवेट,
pyruvic acid, ruvic acid, and then in absence of this, that what we have described, that either in form of ethanol, it will be formed in ethanol, 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 or plus CO2 plus energy, right? And lactic acid, acid plus energy, energy. So overall, we can say that the energy is very less, and this happens usually in anaerobic respirations happen in yeast, bacteria, bacteria, and human muscles, human muscles. This is basically called etc. This process is anaerobic respiration is also called fermentation. Fermentation. This is also called fermentation. So here food items are breakdown in absence of oxygen. That is called fermentation. So basically this is the process. तो इसलिए इस फर्मेंटेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं और इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं. दोनों में ही जो एनर्जी मिलती है वो 2 ATP मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है ना, 2 ATP मॉलिक्यूल मिलता है एनर्जी. इतना ही एनर्जी मिलता है एक फर्मेंटेशन से, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से यहाँ पे 2 ATP एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसमें अल्कोहल बन रहा है. इथेनॉल इज अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज द कॉमन नेम. सो इथेनॉल बनता है तो इसलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, और लैक्टिक एसिड जो बन रहा है इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं. तो इस तरीके से फर्मेंटेशन भी 2 तरीके के हो सकते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. जस्ट ये नॉलेज के लिए है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन, ठीक है. तो ये 2 तरह का होता है. एटीपी, अब एक वर्ड आया एटीपी, ये क्या है? ये एटीपी जो है इसका फुल फॉर्म है एडीनो, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट ये इसका पूरा नाम है. इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी, करेंसी ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है, तो ये एटीपी होता कैसे? एटीपी जो होता है वो एडीपी से बनता है, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वो मिल करके एटीपी बनाता है. द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी प्लस एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट. सो ये बनाता है एडीपी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है. तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से पी, एंड दैट विल कन्वर्ट एटीपी, राइट ना. एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, प्रोसेसेस यूज दिस एटीपी, दिस एटीपी टू डेराइव रिएक्शंस, टू डेराइव रिएक्शंस,
इसमें क्या होता है कि जो टर्मिनल फॉस्फेट होता है वो जो ब्रेक होता है वाटर के प्रेजेंस में, तो पर मॉलिक्यूल ये जो पर मॉलिक्यूल 38.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी जो है हमारे काम आता है और हम इसमें अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। व्हेन द टर्मिनल टर्मिनल फॉस्फेट फॉस्फेट लिंकेज विथ एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर देन एनर्जी 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज्ड। ठीक है, ये इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए, और ये सारी बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपको जब जरूरत होगी तो आप लिख पाएंगे। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि बेसिक चीज ऐसा होता है कि इसको ऐसे लिखते हैं ADP, और ये इसमें टर्मिनल वोल्टेज फॉस्फेट पी होता है एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू एटीपी। तो इस तरीके का यही टर्मिनल फॉस्फेट जो है ये इसमें से जब लिंकेज जो होता है एटीपी के साथ, तो ये जब ब्रोक होता है ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद जो वाटर को यूज करके, तो इतना एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज्ड। सो दिस इज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मोटे तौर पर एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या हमने सीखा, इनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशंस क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो इनएरोबिक जो होता है वो कहाँ होता है, इनएरोबिक जो होता है एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसमें CO2 और वाटर इसके बाई प्रोडक्ट्स है ना, और इसमें जो होता है CO2 और वाटर इसके बाई प्रोडक्ट्स है, CO2 + H2O ये बाई प्रोडक्ट्स है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, 38 ATP की एनर्जी रिलीज होती है, और इस तरीके से ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और पहले ये साइटोप्लाज्म से ब्रेक होकर के आता है और उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो इन और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें बाई प्रोडक्ट जो इथेनॉल है CO2 है या लैक्टिक एसिड है, और ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, जैसे हमने कहा कि इस रिएक्शन में 2 ATP एनर्जी से रिलीज होती है। सो 1/19 टाइम्स आई आई कैन से, तो एक मॉलिक्यूल से, और ये जो होता है इसको बेसिकली फर्मेंटेशन कहते हैं, इसलिए इथेनॉल के रूप में जब कन्वर्ट होता है तो इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, और जब लैक्टिक एसिड होता है तो उसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। ये यीस्ट बैक्टीरिया और ह्यूमन मसल्स में होता है कई बार ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और ऑक्सीजन नहीं होता है तो इस तरह का होता है। एटीपी के बारे में आपने इस पूरा फॉर्म जान लिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एटीपी एक मॉलिक्यूल जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, जो एनर्जी इस्तेमाल होती है सेल के जरिए फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और ये एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन फ्रॉम एटीपी मॉलिक्यूल टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी के से ये एनर्जी बनता है एटीपी एंड एंड इनऑर्गेनिक। तो इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और इस एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होती है मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, और ब्रेक होता है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सो इतना एनर्जी रिलीज होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें रिलीज होती है, और इस प्रकार ये प्रोसेस पूरा होता है। इस प्रकार से रेस्पिरेशन का जो बेसिक का पर्पस है और जो आइडिया है हाउ इट टेक्स प्लेस दैट वी हैड डिस्कस,
and detail about the respiration through the lungs, how it works, and how carbon dioxide is released and oxygen is taken, and what are the function of lungs and how it will be operating. That we will discuss in the next session. Till then, God bless you. अगली क्लास में फिर बात करते हैं डिटेल में कि लंग्स कैसे काम करता है और रेस्पिरेशन में लंग्स का क्या रोल होता है. ठीक है, गॉड ब्लेस.